जैसा कि आप सभी लोग भारत के स्वदेशी मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में जानते होंगे, जिसके पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो कि नई पीढ़ी के फाइटर जेट को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप कर सकते हैं। और यह जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, यह भारत के जितने भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी की बैकबोन है। और प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना की सर्विस में FOC और IOC वेरिएंट वाले करीब 40 एयरक्राफ्ट को शामिल करा जा रहा है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तेजस एयरक्राफ्ट का जो अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि LCA तेजस मार्क 1A है, उसके भी 83 यूनिट्स का ऑर्डर HAL को दिया जा चुका है। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम आपको इसी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के जो टॉप 10 फीचर्स हैं उसके बारे में बताएंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का डेवलपमेंट जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इसमें कई प्रकार के नए नए फीचर्स को ऐड करा गया है। और इन सभी फीचर्स को मिलाकर प्रेजेंट टाइम में जो LCA तेजस मार्क 1 है वह इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट करा गया है। और इस बार का जो एरो इंडिया शो 2021 था उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि LCA तेजस MK1A के 83 यूनिट्स का ऑर्डर HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। और ये जो तेजस MK1A है ये प्रेजेंट टाइम में मैन्युफैक्चर करे जा रहे तेजस मार्क 1 की कंपैरिजन में कई ज्यादा एडवांस और नए फीचर्स के साथ आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉप 10 फीचर्स हैं जो कि तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1A वेरिएंट को और भी ज्यादा डेडली बनाते हैं। सबसे पहले तो आता है तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में यूज करा जाने वाला AESA रडार। HAL की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि यह जो 83 तेजस की डील है इसमें करीब 20 फाइटर जेट में इसराइल के एल्टा ELM 2052 रडार को इंटीग्रेट करा जाएगा। वहीं जो बाकी के बचे हुए 63 एयरक्राफ्ट हैं उन सभी एयरक्राफ्ट में DRDO के द्वारा डेवलप करे गए उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करा जाएगा जो कि इसको 100 से भी ज्यादा टारगेट्स को 16 डिफरेंट मोड्स में ट्रैक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और यह जो उत्तम AESA रडार है उसकी मदद से पायलट करीब 6 टारगेट के साथ हाई प्रायोरिटी ट्रैकिंग मोड पर इंगेज भी हो सकता है। और यह जो उत्तम रडार है यह एल्टा 2052 रडार से काफी ज्यादा एडवांस रडार है। वहीं तेजस मार्क 1A वेरिएंट में एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब का भी यूज करा जाएगा जिसकी मदद से तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट डे एंड नाइट की ऑल वेदर कंडीशंस में भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग परफॉर्म कर सकता है जो कि इस फाइटर जेट की जो कॉम्बैट रेंज है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और जो अगला फीचर है वह है डुअल रैक पाइलॉन्स। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में वेपन्स को कैरी करने के लिए करीब 8 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स को अलग अलग ऑपरेशंस के लिए कैरी करा जा सकता है डुअल रैक पाइलॉन्स। इसकी मदद से केवल एक ही हार्ड पॉइंट में दो क्लोज रेंज मिसाइल या फिर ग्राउंड अटैक वेपन्स को इंटीग्रेट करा जा सकता है जिसके कारण क्लोज कॉम्बैट या फिर अन्य किसी फाइटर जेट के साथ होने वाली डॉग फाइट में तेजस को वेपन्स के फील्ड में काफी ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है। साथ ही दुश्मन की रडार गाइडेड मिसाइल्स और किसी भी प्रकार के सरफेस टू एयर और एयर टू एयर थ्रेट से इस फाइटर जेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड का यूज करा गया है जो कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा। और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप करा गया जो एल्टा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड है इसको तेजस एयरक्राफ्ट के वेपन हार्ड पॉइंट पर एक्सटर्नली माउंट करा जाएगा जिसके बाद यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड तेजस एयरक्राफ्ट को कई सारे थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ यह जो तेजस मार्क 1A वेरिएंट है यह रिड्यूस्ड वेट के साथ आएगा और अपने वेट रिडक्शन फीचर की मदद से मैक्सिमम स्पीड पर इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो हाई होने के साथ ही यह कई सारे मैन्यूवर्स को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। और तेजस मार्क 1 वेरिएंट में इजियर सर्विस मेंटेनेंस का फीचर भी मौजूद होगा जो कि इसके मेंटेनेंस टाइम को रिड्यूस करने के साथ साथ जो पर आवर कॉस्ट होती है उसको भी रिड्यूस करेगा। मार्क 1A वेरिएंट में हॉट रिफ्यूलिंग का फीचर होने की वजह से वॉर लाइक सिचुएशन में इसके इंजन को शट डाउन करे बिना ही इसको रिफ्यूल करा जा सकता है। वैसे तो तेजस एयरक्राफ्ट ही करीब 2458 किलोग्राम के फ्यूल को इंटरनली कैरी करने के साथ ही एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को भी कैरी कर सकता है, लेकिन हॉट रिफ्यूलिंग का फीचर ऐड हो जाने से यह जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसको अपनी कैटेगरी के फाइटर में एक बड़ा एडवांटेज मिलता है।
साथ ही तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में OBOGS मतलब कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल करा गया है और यह ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम DRDO के द्वारा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करा गया है और तेजस में इस सिस्टम का यूज करे जाने से इसको किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी नहीं करना पड़ता है। साथ ही जो लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट होती है उसमें यह जो OBOGS सिस्टम है ये काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने के साथ ही इसकी मदद से पायलट को ऑक्सीजन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के स्लाइड पॉजिटिव प्रेशर के साथ मिलती रहेगी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं तेजस एयरक्राफ्ट में करीब 8 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं और फ्यूचर में यह जो तेजस Mk-1A एयरक्राफ्ट है यह अगर किसी क्लोज रेंज की फाइट में इंगेज होता है तो क्लोज रेंज की फाइट के लिए तेजस एयरक्राफ्ट को और ज्यादा डेडली बनाने के लिए इसमें पाइथन 5, SRAM और R-73 एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज करा जाएगा जो कि किसी भी प्रकार के क्लोज इंगेजमेंट में एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट को आसानी से हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और इतनी टाइप्स की मिसाइल के तेजस में इंटीग्रेट करे जाने से तेजस को इसमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वहीं अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें तो तेजस Mk-1A में भारत के द्वारा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करी गई अस्त्र Mk-1 और इसराइल की IDRB बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी इंडक्ट करा जाएगा। और साथ ही फ्यूचर में जब भारत की अस्त्र Mk-2 मिसाइल का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तब इसको भी इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करा जाएगा, जिसके बाद उत्तम रडार की 150 किलोमीटर की रेंज के साथ यह किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट पर 100 किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल को आसानी फायर कर सकेगा। और इन सभी एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा भी तेजस Mk-1A एयरक्राफ्ट में फ्यूचर में ग्राउंड अटैक के लिए ब्रह्मोस NG, KH-59T और 59L के साथ ही रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को इंडक्ट करने के अलावा अलग अलग प्रकार के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का भी यूज करा जाएगा, जिनमें स्पाइस 2000, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सुदर्शन और ग्रिफिन बॉम्ब शामिल हैं। तो ये थे वो टॉप 10 फीचर्स या फिर वेपन्स जो कि भारतीय वायुसेना के तेजस Mk-1A फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाने के साथ ही दुश्मन के लिए उतनी ही घातक वॉर मशीन बनाएंगे। वैसे आपको इन फीचर्स में तेजस का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। ऐसे ही और डिफेंस रिलेटेड वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए डिफेंस इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें।